आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगेन कल हमारा पिछले दिन हमने पढ़ा कि व्हाट इज टॉर्क एक्टिंग ऑन अ इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसी तरीके से आज भी वही से हमारा कंसिडर होगा। सो कंसिडर इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, दिस इज प्लस क्यू चार्ज, और द सेपरेशन मान लेते हैं इन दोनों के बीच की जो दूरी है चार्जेस की टोटल दूरी 2a है। तो इट विल एक्सपीरियंस फोर्स, the force experienced by will be QE on one direction and minus QE on the other direction, magnitude दोनों का same है। इसका reason मैंने कल भी बोला था, जैसे आपको पता है electric field line कहाँ से शुरू होती है, कौन से charge से? Electric field line शुरू होती है positive charge से और terminate होती है negative charge पे। तो यहाँ पे consider क्या करना है, what we have to consider? Consider electric dipole having charges plus Q and minus Q separated through distance 2A placed in uniform electric field E. तो ये हमें consider करना है। उस consider करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमें कल के article में हमने पढ़ा था कि torque का ऐसे जो electric dipole है उसके ऊपर torque लगेगा। और यहाँ पे एक और बात बता दूँ, angle जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बन रहा है वो थीटा है। तो टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इक्वल टू टॉर्क, हम टो से डिनोट कर लेते हैं, और हमने कल एक्सप्रेशन याद किया था, पढ़ा था, ये आपको याद होना चाहिए। और जिन बच्चों ने अभी पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ इस वीडियो को देखने से पहले मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि मेरा पिछला वीडियो जरूर देखें। उसमें हमने कैलकुलेट किया था कि टॉर्क इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना टॉर्क लगता है। तो कल का जैसे फार्मूला पढ़ा था, टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, एंड इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज इट इज पी ई साइन ऑफ थीटा। यहां पे थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच में बनने वाला एंगल है। अब हम ये मानते हैं कि हमने इस डाइपोल के ऊपर जैसे यहां पे उसकी फोर्सेस लग रही हैं ऐसे, यहां पे अगर कपल फोर्सेस की बात करें उसकी वजह से ये रोटेट करेगा क्लॉकवाइज, जैसे आप देख सकते हैं डायग्राम में कि जैसे मैं फोर्सेस के अलोंग फोर्स लगाऊं तो इट विल रोटेट अलोंग द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अब हम इस फोर्स के अगेंस्ट इसके ऊपर वर्क डन करें, एंड सपोज इसको स्मॉल एंगल से हमने रोटेट किया, तो अगेन लेट डाइपोल इज rotated through angle d theta. अब इसके ऊपर वर्क डन हुआ, तो वर्क डन इज गिवन बाय स्मॉल वर्क डन होगा टो इंटू डी थीटा। ये आपने रोटेशनल मोशन में लास्ट ईयर इक्वेशन पढ़ा होगा, जस्ट लाइक लीनियर मोशन, ये वर्क डन इन रोटेशनल मोशन इज गिवन बाय टो इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहां पर डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। अब इसमें अगर आप वैल्यू को रिप्लेस कर दें तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन गया पीई साइन थीटा
इंटू डी थीटा। इसी एक्सप्रेशन को, ये तो आ गया स्मॉल वर्क डन। अगर हमने डाइपोल को दो एंगल्स के बीच में रोटेट किया हो तो, अगर हमने हमारा डाइपोल जो है पहले 90 डिग्री एंगल पे था और हमने इसको थीटा एंगल तक रोटेट किया, इफ डाइपोल इज रोटेटेड फ्रॉम एंगल 90 डिग्री टू थीटा, देन वर्क डन इज गिवन बाय तो वर्क डन का क्या फॉर्मूला बन जाएगा? इन दैट केस हम टोटल वर्क डन लिख देते हैं इसको, और ये हमें, जैसा आपको पता है बच्चों, जैसे टोटल क्वांटिटी निकालनी हो तो हमें इंटीग्रेट करना होता है। तो अगेन एंगल 90 डिग्री टू थीटा एंड इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, पुटिंग वैल्यू इन दिस एक्सप्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, व्हाट वी विल गेट, इट इज पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं हम, तो हमारे पास W का एक्सप्रेशन आ जाएगा, दिस W इज गिवन बाय, तो PE हमारे यहां पे चेंज नहीं हो रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है इसलिए वो भी कांस्टेंट है, और डाइपोल मोमेंट भी चेंज नहीं हो रहा है तो वो भी कांस्टेंट है। तो इंटीग्रेशन होगा यहां पे, जो वेरिएबल क्वांटिटी है जो बदल रही है हमारी, दैट इज साइन ऑफ थीटा डी थीटा। एज वी नो द इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ थीटा इज माइनस कॉस थीटा, माइनस ऑफ कॉस थीटा 90 to थीटा, ये इसका लिमिट्स है। अगेन माइनस साइन में बाहर लिख दिया, और इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जैसा हम डेफिनेट इंटीग्रल में करते हैं, व्हाट इज अपर लिमिट, जो ऊपर लिखते हैं वो अपर लिमिट है, जो नीचे लिखते हैं वो लोअर लिमिट है, तो इट इज कॉस ऑफ थीटा माइनस कॉस ऑफ 90, तो इट इज माइनस पीई कॉस थीटा, तो कॉस थीटा ही रहेगा, व्हाट इज कॉस 90, वेरी गुड बेटा, दैट्स जीरो, वी हैव रिप्लेस दिस वैल्यू, नाउ इट बिकम माइनस पीई कॉस ऑफ थीटा। आपको पता है कौन सा प्रोडक्ट होता है ये? इट इज डॉट प्रोडक्ट, इट कैन बी रिटन एज माइनस पी डॉट ई, तो दिस इज द वर्क डन। नाउ आपका क्वेश्चन हो सकता है डब्ल्यू पे और वेक्टर का निशान क्यों नहीं है, तो उसका रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट करने पर हमें स्केलर क्वांटिटी मिलती है, और जैसा आपको पता है वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो ये वर्क डन इट इज गिवन बाय माइनस पी डॉट ई, दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन। कभी भी किसी भी बॉडी के ऊपर वर्क डन किया जाए तो वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, यहां भी ऐसा ही हो रहा है, इसके ऊपर हम वर्क डन कर रहे हैं उसको रोटेट करने के लिए, तो ये वर्क डन उसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, और इस पोटेंशियल एनर्जी को हम यू सिंबल से मेंशन कर देते हैं। मैं लिख भी देता हूं आपकी सुविधा के लिए, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो दिस इज अवर फाइनल रिजल्ट, या यहां पे लिख देते हैं, विच इज गिवन बाय पोटेंशियल एनर्जी
ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज गिवन बाय U is equal to minus P dot E. तो ये है हमारा required expression for the potential energy. तो this is our final result. U potential energy stored in electric dipole is equal to minus P dot E. आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपके सारे डाउट क्लियर होंगे. अगर फिर भी डाउट क्लियर ना हो, कोई ऐसा पार्ट रह जाए, तो मैं आपसे यही चाहूँगा कि आप इस वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको डाउट क्लियर हो. स्टिल आप मेरे से डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे से कमेंट करके आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं. आगे भी ऐसे ही लेक्चर हम वीडियो पोस्ट करते रहेंगे. तो अगर आपको ये मेरे वीडियो लगातार प्राप्त करते रहना है तो लाइक और शेयर जरूर करिए ताकि बाकी भी इसका फायदा उठा सकें. और आपको एकदम इसका इन्फॉर्मेशन मिल जाए उसके लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.